नमस्कार, आज तक आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन में सबसे पहले बात शहीद जवानों की। उधमपुर आतंकी हमले में शहीद दो जवानों को आज आखिरी सलामी दी गई। अकेले आतंकियों से लोहा लेने वाले शहीद रॉकी को उनके गांव में यमुनानगर में अंतिम विदाई दी गई। लेकिन इस मौके पर स्थानीय विधायक के अलावा कोई बड़ा सरकारी नाम वहां मौजूद नहीं था। जबकि दूसरी तरफ शहीद शुभेंदु रॉय के पार्थिव शरीर को जब दिल्ली से बागडोगरा हवाई अड्डे पर लाया गया तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद वहां मौजूद थी। उन्होंने शहीद शुभेंदु की वीरता को सलाम किया और उन्हें आखिरी विदाई दी। ये दो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। एक तरफ यमुनानगर में शहीद रॉकी को आखिरी विदाई दी गई, उनके परिजन, उनके गांव वाले यहाँ शामिल हुए, एक स्थानीय विधायक भी शामिल हुए। लेकिन एक नाराजगी परिवार ने भी जाहिर की कि उनका कोई बड़ा नेता, मंत्री क्यों नहीं यहाँ पहुंचा। दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जहाँ शहीद शुभेंदु रॉय को श्रद्धांजलि दी गई और खुद उनके पार्थिव शरीर को लेने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची और उन्होंने शहीद को अंतिम सलामी दी। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीदों का अंतिम संस्कार हुआ। लेकिन सवाल ये कि आखिर शहीद शहीद में फर्क क्यों? फर्क की दो तस्वीरें भी आपके सामने हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची, लेकिन दूसरी तरफ शहीद रॉकी के परिजन इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर यह सवाल उठाया कि क्यों कोई मंत्री, कोई बड़ा नेता रॉकी के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ। आपको बता दें, शहीद रॉकी ने अकेले अपने दम पर 44 लोगों की जान बचाई थी। लेकिन आज उसी शहीद को सलाम करने के लिए न केंद्र न राज्य सरकार के किसी मंत्री को वक्त मिला और शायद इसीलिए रॉकी का परिवार भी आज गुस्से में है। शरीर उनके गांव, उनके घर पर पहुंचा है, आप देख सकते हैं। लोगों में मायूसी है, कहीं ना कहीं एक साथ ही साथ खुशी का एहसास ये होता है कि गांव के एक सच्चे सिपाही ने, सच्चे सपूत ने एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि दी है। देश में, दुनिया में जो है पूरे गांव का नाम रोशन किया है। लोगों में एक नाराजगी है, विधायक साहब, सरकार के कोई नुमाइंदा यहां पर नहीं पहुंचा, विधायक जी अब पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, लोगों को जो है इस बात को लेकर आक्रोशित है। आप क्या कहना चाहते हैं? ये प्रशासन सुबह से हमारे साथ था, जो हमारे विधायक हैं यहाँ के मौजूदा, वो अब आए हैं सुबह से, मतलब अब आए हैं। अब देखो, इन्होंने कल तक कोई खबर नहीं ली हमारी। तीन दिन हो गए हमारे बच्चे को मरे को, किसी जिम्मेदार का आदमी बच्चा भी मर जाए उसकी ये खबर गेल पड़ी लाते हैं, गेल पड़ी आ जाती है। लोगों में नाराजगी है, मायूस। पहले मेरी बात सुनो, मैं एक सच बात कह रहा, मेरे गाँव, पूरा गाँव खड़ा है यहाँ, मेरे गाँव के 65% लोग गाने, इनका पता नहीं है, 65% लोग गाने। अच्छा, तो कहीं ना कहीं लोगों में आक्रोश है कि सरकार के तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। विधायक जी यहां पर पहुंचे हैं, विधायक जी कह रहे हैं कि वो यहां पर थे नहीं, लेकिन जैसे ही खबर मिली वो यहां पर पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर इस गांव के लोग एक तरफ जहां इस शहादत पर खुश हो रहे हैं, तो मायूसी और गम, ये दोनों चीजें भी साथ के साथ देखी जा सकती है। कैमरामैन दिलीप साहू के साथ सत्येंद्र चौहान, यमुनानगर। आज शहीद के घर वालों का दर्द उस किस्से को सुनकर और बढ़ जाता है जिसमें रॉकी की जाबाजी ने न सिर्फ आतंकी को खत्म किया बल्कि अपनी जान भी देश के लिए न्योछावर कर दी। शहीद रॉकी कितना जाबाज था, अगर ये जानना हो तो देखिए बीएसएफ के डीजी का यह बयान। कल जो घटना हुई उस बस में, एक हमारा जवान था रॉकी, AK-47 के उसके पास में था। जैसे ही उसने नोटिस किया कि सामने से कोई आदमी हथियार लेके सामने खड़ा हो गया है, फायरिंग कर रहा है, ड्राइवर इंजर्ड हो गया है, वो फिर साइड में आकर गेट खोलने की कोशिश कर रहा है, उसने इमिडिएटली उसके ऊपर फायर किया। उसकी पूरी की पूरी मैगजीन खाली हो गई, उसकी मैगजीन में एक भी गोली नहीं बची है। और मैं ये कहूंगा कि अगर उसने फायर नहीं किया होता, अगर उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया होता तो हमारे शायद कोई नहीं बच पाते। 44 लोग उसमें ट्रेवल कर रहे थे, शायद कोई भी नहीं बच पाता, क्योंकि अगर वो मिलिटेंट घुस जाता उसके अंदर, वो फायर करता, उसके सपोर्ट में जो उसका जो दूसरा जो साथी जो था मिलिटेंट, जो हिल फीचर से मैं बैठ के फायरिंग कर रहा था, वो तो लगातार फायरिंग कर रहा था,
तो एक भी आदमी नहीं बचता, क्योंकि आगे की गाड़ियां आगे निकल गई थी, पीछे की गाड़ियां पीछे रह गई थी। उसने जिस बहादुरी और साहस का काम किया है वो बहुत तारीफ की बात है। उसने बाकी लोगों की जान बचाई, उसी के एक्शन ने बाकी लोगों की जान बचाई, और उसी के बाद उस दूसरे मिलिटेंट को वहां से भागना पड़ा। एक तरफ शहीद के घर वाले दुखी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आतंक फैलाने वाले नई साजिश रचने को तैयार हैं। आज एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छापी कि टाइगर मेमन ने याकूब की मौत का बदला लेने की बात अपनी मां से फोन पर की, लेकिन मुंबई पुलिस ने यह कहकर खुद को इस खबर से अलग कर लिया कि उन्होंने कोई फोन रिकॉर्ड नहीं किया। तिरानवे मुंबई धमाकों के गुनहगार की इस तस्वीर के बाद कोई तस्वीर नहीं आई। वो कहां है, क्या कर रहा है, ये सवाल बस जवाब ही तलाशते रहे। लेकिन एक अंग्रेजी अखबार ने दावा किया है कि मुंबई को 22 साल बाद टाइगर की आवाज सुनाई पड़ी, और ये संभव हुआ उस टाइगर और उसकी मां की बातचीत की रिकॉर्डिंग से। अंग्रेजी अखबार के मुताबिक याकूब मेमन को फांसी दिए जाने से ठीक 1.5 घंटे पहले अपनी माँ से बात की थी। चूंकि मुंबई पुलिस की नजर पहले से लैंडलाइन नंबर पर थी, लिहाजा पूरी बातचीत रिकॉर्ड हो गई। अखबार के मुताबिक टाइगर का फोन मेमन परिवार के घर के लैंडलाइन नंबर पर 30 जुलाई की सुबह करीब 5:35 पर आया। अखबार ने पूरी बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट होने का दावा किया है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक टाइगर की मां शुरू में हिचकी, लेकिन मेमन के परिवार के एक सदस्य ने जोर दिया कि वो भाईजान से बात करे। टाइगर ने अपनी माँ हनीफा से बार बार कहा कि याकूब की मौत का बदला लिया जाएगा। हनीफा रोने लगी और उन्होंने टाइगर से कहा, बस हो गया, पहले की वजह से मेरा याकूब गया, अब और नहीं देख सकती मैं। अखबार के मुताबिक ये कॉल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सुविधा से की गई थी, लेकिन कॉल एक से दूसरे आईपी एड्रेस पर जाती रही, जिससे एड्रेस को पहचाना नहीं जा सका। बातचीत बमुश्किल 3 मिनट हुई। खबर आते ही टाइगर पर सियासी बयानों की बाढ़ भी लग गई। उधर मुंबई पुलिस ने अखबार की रिपोर्ट का खंडन किया। मुंबई पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा कि उनके पास बातचीत की कोई ट्रांसक्रिप्ट नहीं है। केंद्र और महाराष्ट्र सरकार का रुख भी खंडन का ही रहा। टाइगर मेमन को लेकर हमेशा से मिस्ट्री रही है, और अब उसकी फोन कॉल नई पहेली बन गई है। लेकिन अगर ये सच्चाई है तो उम्मीद ये भी बन सकती है कि 93 मुंबई धमाकों का ये गुनहगार भी कानून के शिकंजे में आएगा। मुंबई से मुनीष पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। याकूब की खबर से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाने वाले जज को जान से मारने की धमकी मिली है। सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा के बंगले पर एक गुमनाम चिट्ठी आई, जिसमें यह कहा गया कि चाहे जितनी सुरक्षा बढ़ा लें उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। ये चिट्ठी बुधवार को मिली और इसके बाद जज दीपक मिश्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस प्रमुख बी एस बसी को भी इस चिट्ठी की जानकारी दी गई है, और इसके बाद तुगलक रोड थाने में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। आज तक संवाददाता चिराग गोठी ने लिया जस्टिस दीपक मिश्रा के बंगले की सुरक्षा का जायजा। मुंबई बम धमाकों के आरोपी याकूब मेमन को फांसी की सजा सुनाने वाले जज जस्टिस दीपक मिश्रा को धमकी भरा पत्र मिला है। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस दीपक मिश्रा के घर के बाहर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी गई है, दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के कमांडोज मौजूद हैं, और आप मेरे लेफ्ट साइड पर देख सकते हैं कि बाकायदा PCR वैन 2 मौजूद हैं, इसके अलावा स्कॉट्स वैन यहाँ मौजूद हैं। दरअसल जब धमकी भरा पत्र मिला उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी इकाई काफ़ी बढ़ा दी गई है। बुधवार को पत्र मिला है जिसमें लिफाफा जो मिला है उसमें 2 पेपर्स हैं, जिसमें यह बाकायदा रेड कलर से लिखा गया है कि जो उन्होंने किया वो ठीक नहीं किया और उसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने मामला भी दर्ज कर लिया, जांच इस मामले की जा रही है। बाकायदा स्पेशल सेल के अधिकारी, क्राइम ब्रांच के अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ सिक्योरिटी इस पूरे घटनाक्रम के बाद काफ़ी बढ़ा दी गई है जस्टिस दीपक मिश्रा के घर के बाहर। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। धमकी भरी चिट्ठी के बाद याकूब को फांसी की सजा पर मुहर लगाने वाले जस्टिस दीपक मिश्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जैसा कि इस रिपोर्ट में आपने अभी देखा। आज तक संवाददाता चिराग गोठी ने की दिल्ली पुलिस के जॉइंट CP मुकेश मीणा से बात। मुंबई बम धमाके में याकूब मेमन को सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी, उनको फांसी भी हो गई थी। इसके बाद जो जज थे जिन्होंने रात में सुनवाई करी थी सुप्रीम कोर्ट में, बाकायदा 3 जजेस का जो बेंच थी उनमें से एक जज थे जस्टिस दीपक मिश्रा, उनको धमकी मिली है, और बाकायदा एक लिफाफे में 2 कागज़ आए हैं, लाल पेन से लिखा हुआ है कि
कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में धमकी दी गई और ये कहा गया है कि जितनी भी पुलिस फोर्स लगा लो जो है हम नहीं छोड़ेंगे। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए नई दिल्ली के जॉइंट सीपी मुकेश मीना जी मौजूद है। सर क्या एग्जैक्टली कंटेंट है, कब का है पूरा मामला? नहीं मैं डिटेल्स आपको नहीं बताऊंगा मीडिया को, मैं सिद्धा बताना चाहता हूं कि जो मामला है वो मामले की पूरी जांच चल रही है और परसों ये मैटर सामने आया था और इसमें पूरी पूरी जांच चल रही है और जो एरिया है सारे सारे एरिया में सिक्योरिटी बढ़ा दी। सर ये परसों लेटर आया था और इसमें दो कागज़ थे जिसमें लिखा गया था कि जितनी पुलिस फोर्स लगा लो जो है हम ये बदला ज़रूर लेंगे, तो ये लेटर कहाँ किस जगह मिला था और उसके बाद किस तरह की कौन से थाने में मामला दर्ज हुआ? नहीं ये 5 तारीख को लेटर मिला है और इसमें वहीं घर पे लेटर मिला है, लेकिन इसमें डिटेल्स जो है हम डिटेल्स शेयर नहीं करना चाहेंगे क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है और सारे के सारे एरिया में नई दिल्ली एरिया में पूरी सिक्योरिटी बढ़ा दी है और सभी पूरे हमने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, पुलिस प्रेजेंस बढ़ा दी है और हमारी जो पूरी पुलिस फोर्स है उसको अलर्ट किया गया है और सारे के सारे क्योंकि 15 अगस्त नज़दीक है इसके देखते हुए सारे के सारे एरिया को और पूरे स्टाफ को ब्रीफ किया गया है और सब जगह चेकिंग जारी है और सब जगह स्टाफ प्रॉपरली डिप्लॉय किया गया है।